तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन। और मैं आपके साथ चैप्टर डिस्कस कर रहा था एडमिशन, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और उसके अंदर हमारे पास पहला टॉपिक था ट्रीटमेंट ऑफ, फर्स्ट टॉपिक हमने ये उठाया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल। इसका हमने आपके साथ डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में। तो आज कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है और कैपिटल का क्या करना है इसके बारे में डिस्कशन। दोस्तों कैपिटल की फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एक ही एंट्री होती है कैपिटल लाने की, कौन लेके आता है, एडमिशन किसका होता है, नए पार्टनर का, इट मींस जो न्यू पार्टनर है उसकी बात हो रही है, और वो अपने साथ कैश में लाता है कैपिटल। तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी नया पार्टनर है, कैपिटल अकाउंट। ये हमारी सिंपल एंट्री थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल का ट्रीटमेंट खत्म। गुडविल में दो तरह की गुडविल होती है। एक गुडविल होती है जो बैलेंस शीट के अंदर आती है, एक गुडविल वो होती है जो बैलेंस शीट में आती है, जिसको आप बच्चे परचेज गुडविल भी बोलते हैं, या कुछ बच्चे कहते हैं बुक्स, बुक्स में अपीयर है। इस गुडविल का क्या करना है, बैलेंस शीट में ये वाली साइड होती है डेबिट, उल्टा होता है, और इस गुडविल को हमें क्या करना होता है, खत्म। इस गुडविल को हम खत्म करते हैं हमेशा कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, और राइट ऑफ ओल्ड रेशियो में। खत्म कैसे करते हैं, जो चीज डेबिट हो रही है उसको हम क्या करेंगे, उसे हम कर देंगे क्रेडिट। तो गुडविल हो गई क्रेडिट, अपने आप खत्म हो जाएगी, और ऊपर किसका नाम आ जाएगा, जो भी पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड रेशियो। तो ये भी हमारा पॉइंट खत्म, कैपिटल खत्म, गुडविल बैलेंस शीट वाली खत्म। अब समस्या क्या है इस चैप्टर के अंदर, एक और गुडविल होती है जिसको आप स्टूडेंट्स कहते हैं सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड का एक और नाम होता है वैल्यूड। ये वो गुडविल होती है जो हम खुद बनाते हैं, खुद निकालते हैं वैल्यूड गुडविल। यहां पे हमारा मेन, अगर मैं आपको बोलूं तो फोकस वाला एरिया, ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए फोकस एरिया ये है। ये दोनों तो बहुत आसान है, फोकस एरिया है सेल्फ जनरेटेड वैल्यूड गुडविल। इसका क्या करना है, इस गुडविल का क्या करना है। तो दोस्तों इस गुडविल के अंदर, ये वाली गुडविल किसकी है, ये वाली गुडविल है फर्म की, और इस गुडविल में सबसे पहले आप निकालोगे न्यू पार्टनर का शेयर। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, नए पार्टनर का शेयर, और नया पार्टनर का जो भी शेयर होगा उसको हम प्यार से बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। अब होगा क्या क्या, या तो वो अपने साथ अपना शेयर कैश में लाएगा, या क्या होगा, या वो नहीं लाएगा, नॉट इन कैश, या क्या होता है एक और केस, थोड़ा सा कैश में लाता है और थोड़ा सा नहीं लाता, इसे कहते हैं पार्शली, थोड़ा सा लाया और थोड़ा सा नहीं लाया। और अगेन अगर मेरे से कोई पूछे तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, आपको पार्शली वाला केस समझ आना चाहिए। फिर हमने इनकी एंट्री सीखी थी, कैश में लाता है, कैश में अगर लाता है तो दो एंट्रीज होती हैं, नहीं लाता, अगर नहीं लाता तो सिर्फ एक ही एंट्री होती है, अगर नहीं लाता तो एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, और पार्शली का मतलब मिक्स हो गया, यानी सर ये दोनों एंट्रीज भी करेंगे और ये वाली एंट्री भी करेंगे, इसका मतलब मिक्स हो गया सारा कुछ।
ये मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था, आज अब क्वेश्चंस करते हैं। एक बात और ऐड कर दूं, जब कैश में लाता है तो समटाइम्स एक और एंट्री की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको मतलब होता है विड्रॉन। अगर विड्रॉन होगा तो एक और एंट्री हो जाएगी थर्ड नंबर पर। इतना डिस्कशन था हमारा आपके साथ लास्ट क्लास के अंदर। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, और आप सब भी अपने साथ फटाफट ग्रिवाल सर का लेटेस्ट एडिशन ओपन कर लें। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं आपके साथ। तो मेरे साथ पहला क्वेश्चन हम आपके साथ पिक करते हैं, पेज नंबर है 5.91, क्वेश्चन नंबर 44। ये क्वेश्चन आया हुआ है एनसीईआरटी का। जल्दी से एक बार सब ओपन कर लें फटाफट। वर्मा एंड शर्मा, जल्दी जल्दी करेंगे, फिर हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज के। चलिए, तो ऑलमोस्ट बच्चों ने ओपन कर ली है बुक, और हम देखते हैं इसके अंदर हमें क्या-क्या करना है। मैंने आपके साथ डिस्कशन भी कर लिया सारा पुराना। क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 पे। वर्मा एंड शर्मा दो पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो है 5:3। आपके पास क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, हम फटाफट जरा काम की बातें लिखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, दो पार्टनर्स हैं वर्मा और शर्मा, इनकी रेशियो है 5:3, ओल्ड रेशियो। दे एडमिट घोष, इन्होंने एक नया पार्टनर को बुलाया घोष, और उसका शेयर है 1/5। मैं मान के चल रहा हूं आप सबके पास बुक है और आप सब क्वेश्चन देख रहे हैं। नया पार्टनर है घोष और उसका शेयर है 1/5। घोष इज टू ब्रिंग, घोष अपने साथ कैपिटल लेके आया है, कैपिटल लाया है 20,000, कैपिटल 20,000, और घोष अपने साथ क्या लाया है, 4,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। अंडरलाइन करें, शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। इसका मतलब सर ये उसका शेयर ऑलरेडी दिया हुआ है। शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम कितना दिया हुआ है, 4,000। और ये दोनों ही चीजें, दोनों ही चीजें वो किस में लाया है, कैश में। अब इसके अंदर अलग अलग केस दिए हुए हैं, पहले जरा हम आराम से चलते हैं। हम कैपिटल की एंट्री करते हैं, कैपिटल लाने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू, नया पार्टनर कौन है, घोष, कैपिटल अकाउंट, और इसमें अमाउंट कितना आएगा, 20,000। चलिए, ये एंट्री हो गई हमारी कैश में लाने की। कैश की तो खत्म बात, अब बात करेंगे प्रीमियम की। और प्रीमियम के लिए मैंने आपको कहा था, जब भी प्रीमियम कैश में लाता है तो हम दो एंट्री करते हैं। पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना पैसा लाएगा, 4,000। और बस इस 4,000 को जैसे ही पार्टनर लेके आता है, पुराने पार्टनर्स बांट लेते हैं। और पुराने पार्टनर्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहां लिख भी देता हूं, जब भी बात होती है इसकी, न्यू पार्टनर के शेयर की बात होगी, हमेशा याद रखेंगे आप ये कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। सारे केस, कैश हो, नॉट कैश हो, पार्शली, ऑलवेज इन सेक्रीफाइजिंग रेशियो। तो मैं प्रीमियम जो लाया है, प्रीमियम लाया है 4,000, ये पार्टनर्स बांट लेंगे। कौन कौन पार्टनर है, एक है वी कैपिटल अकाउंट, एक है एस कैपिटल अकाउंट, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन सी रेशियो में बांटेंगे, सेक्रीफाइजिंग रेशियो।
अब सर इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइजिंग रेशियो दे नहीं रखी, अगर सेक्रीफाइजिंग रेशियो नहीं दी होती, हम नहीं निकालते हैं, तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो किसके बराबर होती है? ओल्ड रेशियो के। इट मींस आप ओल्ड रेशियो में इसको बांट देंगे 5:3, तो 8 से करेंगे, 8 5 40, तो 5 5 25, 5 3 15, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो लिखा हुआ था, फर्स्ट पार्ट ए पार्ट में लिखा था अमाउंट ऑफ गुडविल रिटेन्ड इन द बिजनेस, इसकी मैंने आपको एंट्री करके दिखा दी। बी पार्ट में लिखा है फुली विड्रॉन, मैंने कहा था अगर विड्रॉन हो तो एक एंट्री और होगी, आप देख भी सकते हैं अगर विड्रॉन हो तो एक एंट्री और भी होगी। एक स्टूडेंट का डाउट है, जरा एक बार डाउट भी देख लेते हैं। साइलेंट वाला केस है, यस ध्रुव, साइलेंट केस है, साइलेंट केस में ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइजिंग के बराबर होती है, बिल्कुल सही। अब सर ये तो हमारा एक पॉइंट खत्म हो गया, उन्होंने विड्रॉ के लिए बोला है, तो बी केस में, बी केस में एक वर्ड लिखा हुआ है विड्रॉन, और विड्रॉन की एंट्री मैंने आपको बताया था कुछ नहीं करना, इन दोनों एंट्रीज का रिवर्स करना है, ये जो दो एंट्रीज हैं इनको उल्टा करना है। जैसे कैश डेबिट हो रहा है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर क्रेडिट हो रहे हैं तो पार्टनर को डेबिट कर देंगे, बस खत्म। यानी विड्रॉन में क्या करना है, आपने बस रिवर्स एंट्री करनी है, रिवर्स एंट्री, पार्टनर्स को जरा हम डेबिट कर देते हैं, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट भी याद है 2500, उसके बाद एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसका अमाउंट था 1500, और कैश को हमने कर दिया क्रेडिट टू कैश अकाउंट 4000। तो ये वाली एंट्री किस चीज की है? विड्रॉन की। तो ये था बी पार्ट। अगर हम चलते हैं सी पार्ट पर, सी पार्ट में लिखा है विड्रॉन तो करना है, विड्रॉन करना है, बट कितना परसेंट है? सिर्फ 50% विड्रॉ करना है। इट मींस यहां पे जो आपने विड्रॉ किया था वो पूरा किया था 100%, अब करना है 50%। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं, वी एस टू कैश, और सिर्फ 50% कर दो, 50 मतलब आधा, 2500 का आधा होता है 1250, 1500 का आधा होता है 750, और 4000 का हाफ होता है 2000। तो जितना क्वेश्चन बोलेगा वैसे करेंगे। और लास्ट केस है जिसके चांसेस बहुत कम है, लास्ट केस में लिखा हुआ है गुडविल पेड प्राइवेटली, प्राइवेटली का मतलब होता है अंडर द टेबल, और प्राइवेटली में हमेशा याद रखना कोई भी एंट्री आप नहीं करोगे, नो एंट्री, क्योंकि प्राइवेटली का मतलब होता है ब्लैक मनी, और ब्लैक मनी की एंट्री हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये था एक पहला क्वेश्चन, अब धीरे धीरे करके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे आपके साथ। एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, क्वेश्चन में लिखा है सेकंड क्वेश्चन, दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, आप मेरे साथ साथ नोटिंग करेंगे, ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, बट आप सब साथ साथ सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन। इनकी रेशियो दे रखी है 4:1, ये हो गई ओल्ड रेशियो। नया पार्टनर है जेड, जेड का शेयर है 1/3, और जेड का जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, प्रीमियम का मतलब शेयर जो है, वो शेयर आ रहा है 50,000। याद रखना ये ऑलरेडी किसका शेयर है? जेड का शेयर है, और यहां लिखा है जेड अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर,
साफ पता लग रहा है अनेबल टू ब्रिंग, वो नहीं लाया। और आप सबको पता है अगर वो नहीं लाता, अगर नहीं लाता तो हमारे पास एक ही एंट्री होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और इस क्वेश्चन में अच्छी बात ये है, आपको दोस्तों न्यू रेशो दे रखी है, 1:1:1, ये है आपकी न्यू रेशो। तो आप फटाफट क्या करेंगे, सेक्रीफाइजिंग रेशो निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू, और फिर आप ये वाली एंट्री पास करेंगे। अब क्वेश्चन गोज टू यू, आप सब बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व करना है और फिर मैं आंसर सॉल्व करूंगा। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। चलिए मेरी टर्न स्टार्ट हो गई। अब सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। इसकी ओल्ड थी 4/5 और 1/5। कार्तिकी का आंसर आ गया, बाकी देखते हैं। न्यू रेशियो है 1/3, 1/3। जेड की ओल्ड रेशियो थी नहीं, जेड ओल्ड में था ही नहीं, बट न्यू में कितना है, 1/3। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम आया 15, 5, 4, 4, 3 = 12, 12 - 5, ये आ रहा है 7/15। इसका भी एलसीएम लिया 15, 3 - 5, ये माइनस में आ रहा है। और अगर हम इसमें चलते हैं, इसमें आ रहा है -1/3, इसका माइनस में आ रहा है 1/3। यहां भी 15 है, यहां भी 15 है, इसलिए मैं इसको भी 15 कर देता हूं। और 15 करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो ये भी आंसर कितना आ जाएगा, -5/15। और आप सब बच्चों को पता है माइनस का मतलब ही होता है गेन। माइनस का मतलब क्या होता है, गेन। और प्लस का मतलब क्या होता है, सेक्रीफाइस। प्लस का मतलब होता है सेक्रीफाइस। अब एंट्री क्या थी, एंट्री थी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। यहाँ पे दो दो गेन हो रहे हैं। पहला गेन हो रहा है वाई को, तो वाई को आप करोगे डेबिट। दूसरा गेन हो रहा है जेड को, तो जेड को भी आप करोगे डेबिट। सेक्रीफाइस किसे हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है एक्स को। तो ये हमारी एंट्री हो गई। अब बहुत ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूं, मैं लिखने जा रहा हूं कैपिटल। मैंने Y के भी आगे लिखा कैपिटल अकाउंट डेबिट। बट सर जो नया पार्टनर होता है, नए पार्टनर में हमेशा आप सब बच्चों ने कैपिटल नहीं लिखना, आप सब बच्चों ने क्या लिखना है, करंट अकाउंट। बेटा चेंजेस आ गए हैं सीबीएसई के, तो सीबीएसई का चेंज हमेशा याद रखना। न्यू पार्टनर में हमेशा करंट अकाउंट आएगा, बाकी पुराने पार्टनर्स में कैपिटल आएगा। अब दिक्कत है सर अमाउंट की। एंट्री तो आप सब बच्चों को समझ आ गई, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, बट अभी दिक्कत है अमाउंट की। ध्यान से देखें तो जेड का अमाउंट आपको पता है, जेड का कितना शेयर था, जेड का शेयर था 50,000, ये आपको पता है। और मैं आपके साथ एक शॉर्टकट टेक्निक यूज करता हूं। जेड का शेयर कितना है, 50,000। आपको निकालना है वाई और एक्स, इन दोनों का शेयर निकालना है। ध्यान से देखो, अगर जेड पे ध्यान से देखें तो जेड कितना है, 5 है, -5 है, मतलब 5 लिखा हुआ है। वाई पे ध्यान से देखो, वाई कितना है, वाई है 2, और एक्स कितना है, एक्स है 7। मैं आपको एक शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूं। 5 टॉफी अगर 50,000 की हैं, याद करो बचपन, यूनिटरी मेथड, 5 टॉफी अगर 50,000 रुपए की हैं, तो एक टॉफी कितने की हुई, एक टॉफी हुई 10,000 की, एक टॉफी हुई 10,000 की। तो जल्दी से बताओ, 2 टॉफी कितने की हुई, 2 टॉफी हुई 20,000 की।
60 टॉफी कितने की हुई? एक टॉफी 10,000 की है तो 60 टॉफी कितने की हुई? 60 टॉफी हुई 70,000 की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी उड़ीसा, आपको ये शॉर्टकट समझ आना चाहिए। मैंने ये शॉर्टकट कैसे निकाला, कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो ये इसका आंसर है। पहले मुझे ये बताइए, एनी डाउट्स इन दिस? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनी डाउट्स इन दिस? तो फटाफट चैट बॉक्स में मुझे बताओ, एनी डाउट? मैं आपके साथ फिर और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जल्दी से बताइए, एनी डाउट्स? ये कैसे निकाला हमने, कैसे रेशियो में बांटा? यूनिटरी मेथड आपको याद रखना है, यूनिटरी मेथड, और सबसे ज्यादा इजीएस्ट वे है जिससे आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। और इन्हीं स्टेप्स पे हम चलते हैं। एक और हमेशा याद रखेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, और एक और क्वेश्चन करते हैं आपके साथ, बुक का क्वेश्चन करेंगे अब हम आपके साथ, और बुक का क्वेश्चन नंबर है 32। बुक का क्वेश्चन नंबर है 32, पेज नंबर है 5.89। यहां लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 32। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा है दो पार्टनर्स हैं ए और बी, रेशो है 3:2, ये हो गई इनकी ओल्ड रेशो। मैंने क्वेश्चन इसलिए पिक किया है बिकॉज इस क्वेश्चन में लास्ट में लिखा है ये दिल्ली 2009 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, और इसमें सी को एडमिट करा, सी का शेयर है 3/7, सी का शेयर है 3/7। आगे लिखा हुआ है ए बी सी की आपको न्यू रेशियो भी दे रखी है, इनकी न्यू रेशियो है 2:2:3। ये कौन सी रेशियो हो गई इनकी न्यू रेशियो? आपको पता है टॉपिक में गुडविल पढ़ा रहा हूं, और गुडविल टॉपिक में हमें सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है सेक्रीफाइसिंग, हमें चाहिए। तो बेटर है क्वेश्चन को आगे ना पढ़ें, पहले इसको सॉल्व कर लें, बिकॉज वी नीड अ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फटाफट देखते हैं ए बी सी। चलिए अब मेरे साथ साथ ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो है 3/5, 2/5, सी था ही नहीं। न्यू रेशियो 2/7, 2/7 माइनस 3/7। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं। 35 हमने एलसीएम ले लिया, 7 3 21, ये आ गया 11/35, यहां भी ले लिया 35 एलसीएम, 7 2 14 माइनस 10 4/35, बट यहां आ रहा है -3/7। यहां भी 35 है, यहां भी 35 है, इसलिए इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो ऑटोमेटिकली यहां भी नीचे क्या आ जाएगा, यहां भी नीचे आ जाएगा 35। और इसको देख के साफ पता लग रहा है माइनस का मतलब इसे हुआ गेन, इसे पॉजिटिव आ रहा है, इसे क्या होगा सेक्रीफाइस। और अगर आप मेरे से पूछें सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी हुई, तो हम बता सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी है। सेक्रीफाइसिंग रेशो है 11:4। चलिए पहली चीज तो हमें पता चल गई, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है सी ब्रॉट 2 लाख कैपिटल, कैपिटल लाया है 2 लाख, तो कैपिटल की क्या एंट्री होती है? कैपिटल की सबसे आसान एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल लाया था? 2 लाख। लो सर, 2 लाख की कैपिटल हो गई। आगे चलते हैं, 1,50,000 लाया है प्रीमियम फॉर गुडविल, तो आपको पता लग गया अगेन सी का शेयर दिया हुआ है। हमेशा मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, सी का शेयर दिया हुआ है 1,50,000।
और लिखा है ब्रिंग, कैश में लाया है, ब्रिंग लिखा हुआ था, अंडरलाइन कर लें ब्रिंग, सी ब्रॉट, कैश में लाया है, और कैश की एंट्री क्या होती है, कैश की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना लाया है 1,50,000, और उसके बाद प्रीमियम पार्टनर्स बांट लेते हैं, प्रीमियम है 1,50,000 और ये पार्टनर्स बांट लेंगे कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, और आपको पता है दोनों ही पार्टनर्स को सेक्रीफाइस हुआ है, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, 11:4। तो अगर हम 1.5 लाख को बांटते हैं तो ये आएगा 1,10,000 और ये आएगा 40,000, इस रेशियो में बांटेंगे। कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई क्योंकि आगे कुछ और भी लिखा था, लिखा था हाफ ऑफ प्रीमियम वॉज विड्रॉन, आधा विड्रॉ भी कर लिया, और अगर विड्रॉन कर लिया, हाफ विड्रॉन कर लिया तो एक और एंट्री होगी, इन दोनों का रिवर्स, विड्रॉन का मतलब होता है इन दोनों का रिवर्स, बट हाफ विड्रॉ करा है, हाफ विड्रॉ करा है इट मींस 50%। चलिए कैश को मैं कर दूंगा क्रेडिट, कैश ऊपर डेबिट था, कैश डेबिट था, अब मैं कर दूंगा क्रेडिट, आधा आधा कितना हुआ 75,000। ए और बी ये क्या हो रहे हैं क्रेडिट, तो इन्हें कर देते हैं डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सबका हाफ ऑफ, 1,10,000 का हाफ होता है 55,000, 40,000 का हाफ होता है 20,000, तो ये हमारी ये भी एंट्री खत्म हो गई। अब बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं, आप भी कुछ सॉल्व करेंगे, मैं एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व कर देता हूं, उसके बाद हम चलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर है 34, इस टॉपिक का मैं लास्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और क्वेश्चन नंबर है 34। मैं क्लास वक्त जो भी है आप सब बच्चों को बाद में पीडीएफ फाइल भेज दूंगा, आप आराम से इसकी नोटिंग करना प्लस कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करना। क्वेश्चन नंबर 34, अच्छा क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, ये हो गई ओल्ड रेशियो। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, सी आया 1/4 शेयर के लिए, विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। मैंने आपको याद होगा मैंने आपको बताया था फ्रॉम में हम सीधा माइनस कर देते हैं, तो सी कहता है मैं 1/6 लूंगा ए से और 1/12 लूंगा बी से। जितना भी तक पढ़ा है उसके बारे में जरा लिख लेते हैं एक बारी। दो पार्टनर्स हैं ए और बी, ए और बी की रेशो दे रखी है 3:2 ओल्ड रेशो। नया पार्टनर आया सी, सी का शेयर है 1/4 और सी ने कहा मैं ए से लूंगा 1/6, ए से लेगा 1/6, फ्रॉम लिखा है और लिखा था 1/12, बी से लेगा 1/12, यहां भी फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम वाली चीज हम माइनस करते हैं सीधा। आप मुझे जल्दी से बता दो न्यू पार्टनर कम बोल रहा है या ज्यादा बोल रहा है, जल्दी से बेटे सारे बच्चे एक बार जल्दी से बता दे, न्यू पार्टनर कम बोल रहा है या ज्यादा। ध्रुव का आंसर आ गया, जल्दी जल्दी एवरीवन। दोस्तों फ्रॉम में सीधा माइनस करना होता है और ये बता दें कम बोल रहा है या ज्यादा, फटाफट। ऋतिका, कार्तिकी, अंशिका, उर्षिता,
ज्यादा बोल रहा है। यस, दोनों से लेगा, दोनों से लेगा। और मैं आपको इसका शॉर्टकट बता देता हूं, इस सारी कहानी के बाद सेक्रीफाइजिंग रेशो, मैं शॉर्टकट बता देता हूं, अगर इनका डिनोमिनेटर लोगे तो डिनोमिनेटर आएगा 12, इट मींस सेक्रीफाइजिंग रेशो आने वाली है 2:1, और सेक्रीफाइजिंग निकालना बहुत जरूरी है, मैंने आपको शॉर्टकट से बता दिया। 12 आएगा डिनोमिनेटर तो ऊपर आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1, दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइजिंग रेशो। आप चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं। और अब चलते हैं आगे, आगे क्या लिखा हुआ है, पहले चलते हैं इस लाइन पर, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, मैंने अभी अभी बताया था वैल्यूड का मतलब होता है सेल्फ जनरेटेड, ये फर्म की गुडविल है 1 लाख, यानी सर यहाँ पे आपके पास फर्म की गुडविल वैल्यूड दे रखी है, ये फर्म की गुडविल है 1 लाख, और मैंने कहा था जब भी फर्म की गुडविल होती है सबसे पहले हम निकालते हैं न्यू पार्टनर का शेयर, चेक करो न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, 1/4, अगर हम इसका 1/4 करते हैं 1 लाख का, तो नए पार्टनर का शेयर आता है 25,000। अब देखते हैं सर क्या ये कैश में लाया कि नहीं लाया। अब ऊपर वाली लाइन पढ़ते हैं, सी ब्रिंग्स, बहुत ध्यान से पढ़ना, सी ब्रिंग्स 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल, आई रिपीट, सी ब्रिंग्स 60% ऑफ हिज शेयर, ये रहा उसका शेयर, इसका 60% वो कैश में लाया है, ब्रिंग्स कैश में लाया है, तो अगर इसका हम 60% निकालें तो 60% कितना आएगा, 25,000 का 60%, मेरे ख्याल से इसका 60% आएगा 15,000, 15,000 लाया है वो कैश में, इसका साफ मतलब है लाना था 25,000, शेयर कितना था 25,000, लाया सिर्फ 15,000 है, इसका मतलब बाकी पैसा नहीं लाया, नॉट इन कैश, कितना नहीं लाया होगा, 25 में से 15 गए तो कितना नहीं लाया होगा, 10,000। बस अब हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज, पहले हम कैश की एंट्री करते हैं, कैश की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000, ये एंट्री है कैश में, फिर कैश को बांट लेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000, और ये हम पार्टनर्स बांट लेंगे, और आप सबको पता है कौन सी रेशियो में बांटते हैं, सेक्रीफाइजिंग रेशियो, कौन कौन है पार्टनर, ए और बी, एस कैपिटल बीस कैपिटल, और रेशो है 2:1, तो 15,000 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं 5,000, तो ये आएगा 10,000 और 5,000, ये तो हो गई कैश में लाने की एंट्री। जब नहीं लाता तो एक एंट्री होती है, मैंने आपको बताई थी, वो एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो मैं अब आपको करके दिखाता हूं थर्ड एंट्री, आपको पता है सेक्रीफाइस किस किस को हुआ है, सेक्रीफाइस दोनों को ही हुआ है, ए को भी सेक्रीफाइस हुआ है और बी को भी सेक्रीफाइस हुआ है। अगर सर दोनों को सेक्रीफाइस होगा तो ऊपर किसका नाम आएगा, ऊपर आएगा सी का, क्योंकि सी को हमेशा गेन होता है, और आपको मैंने बताया था न्यू पार्टनर में कभी भी कैपिटल मत लिखना, न्यू पार्टनर में क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट, कितना था 10,000, सेक्रीफाइजिंग रेशो क्या थी, सेक्रीफाइजिंग रेशो थी 2:1, तो जरा डिवाइड कर लेते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3,000
333 और ये आएगा 6667। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, जहां पे आपको दोनों केसेस दिए होते हैं, और दोनों केसेस का मतलब ही होता है पार्शियली। पार्शियली का मतलब थोड़ा लाया थोड़ा नहीं लाया, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है एंट्रीज के अंदर। चलिए अब योर टर्न, आप मुझे बताइए एनी डाउट्स इन दिस, तो मैं आपको अनम्यूट करूं। बेटा फटाफट बताइए, डू यू हैव एनी डाउट्स, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा फिर। एट लीस्ट रिप्लाई करो, डू यू हैव एनी डाउट्स। ईशा कार्तिकी का आ गया, एनी डाउट्स सो दैट आई कैन अनम्यूट यू। जी फटाफट, अंशिका, रितिका, उषिता, नो डाउट्स नहीं है। बस अब लास्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं आज की क्लास का, और बहुत आसान टॉपिक है। आसान है इसलिए बच्चे भूल जाते हैं करना, इसलिए हम आपके साथ टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। और टॉपिक का नाम है हिडन गुडविल। बहुत इजी टॉपिक है, 5 मिनट्स लगेंगे, टॉपिक खत्म। हिडन गुडविल, हिडन का मतलब जैसे हाइड एंड सीक गेम होती है छुपन छुपाई, वैसे ही हिडन यानी छुपी हुई है। क्या छुपी हुई है? गुडविल। तो बच्चे कह रहे हैं सर छुपा रहने दो। बेटा छुपा नहीं, आपको ढूंढ के निकालनी है। अगर गुडविल छुपी हुई है तो आपको फाइंड आउट करनी है ये कौन सी गुडविल है। मैंने आपको बताया था गुडविल दो होती है, एक होती है बैलेंस शीट वाली और दूसरी होती है वैल्यूड सेल्फ जनरेटेड। कौन सी गुडविल है ये? तो आपको पहले मैं क्लियर कर दूं, बैलेंस शीट वाली नहीं है ये। कौन सी गुडविल है? वैल्यूड गुडविल, जिसको आप सेल्फ जनरेटेड बोलते हैं। ये वाली गुडविल छुपी हुई है और आपको किसी तरह ढूंढना है। अब सर ढूंढते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू बताता हूं तो आपको जल्दी समझ आएगा। हिडन गुडविल के लिए जरा हम टॉपिक देखते हैं, पेज नंबर है 5.90 5.90, और इसके अंदर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। आपको समझ आएगा कि सर इसमें कैसे निकलती है गुडविल। भुवन एंड शिवम दो पार्टनर्स हैं, उनकी ओल्ड रेशियो है 3:2। इनकी कैपिटल दे रखी है, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है। नॉर्मली इस कैपिटल का कोई यूज नहीं होता, बट पुराने पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है 50,000 और 75,000। इन्होंने नया पार्टनर बुलाया अतुल, और उसका शेयर है 1/4। अतुल ब्रॉट 75,000 एज इज कैपिटल। सिर्फ कैपिटल 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 दे रखी है और क्वेश्चन में कह रहे हैं गुडविल निकालो। इससे आपको पता चलेगा कि सर ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। हर जगह कैपिटल कैपिटल की बातें हो रही हैं और क्वेश्चन में लिखा है वैल्यू ऑफ गुडविल निकालो। यहां से हमें क्लियरली पता लग जाता है कि सर गुडविल छुपी हुई है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 39, और बहुत इजी टॉपिक है। हम गुडविल कैसे निकालेंगे? हमें निकालनी है टोटल कैपिटल। ध्यान से देखना, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, हमें फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी है। और टोटल कैपिटल निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो बहुत आसान है, तीन पार्टनर है, पहले भुवन था, शिवम था, और एक नया पार्टनर और आ गया, उसका क्या नाम है? अतुल। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस कर दो, आ जाएगी टोटल कैपिटल। एक तरीका तो ये होता है, जरा करके देखें। इसकी कैपिटल है 50,000, इसकी कैपिटल है 75,000, और जो नया पार्टनर था अतुल उसकी कैपिटल भी कितनी थी? 75,000। तो अगर हम इसे टोटल करते हैं तो ये हमारी टोटल कैपिटल आ गई 2,00,000। आपको बता देता हूं, नया पार्टनर है ए
और ए का अतुल, अतुल का शेयर था 1/4, और अतुल अपने साथ कैपिटल लाया था 75,000। एक तरीका तो बहुत आसान है, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस कर दो। एक और भी तरीका है हमारे पास, वो तरीका क्या है, सिर्फ न्यू पार्टनर पे ध्यान देना, सिर्फ नए पार्टनर पे। अतुल, अतुल की कैपिटल है 75 और उसका शेयर है 1/4। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उसका शेयर रेसिप्रोकल करना है। जैसे ये 1/4 है तो आप बस शेयर रेसिप्रोकल कर दो, 4/1, खत्म, कुछ नया नहीं है। जैसे ही इसे हम करेंगे रेसिप्रोकल, तो यहां से भी क्या निकलेगी, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, न्यू पार्टनर की कैपिटल और न्यू पार्टनर का शेयर। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो भी क्या निकलेगी, टोटल कैपिटल। अब दिक्कत ये आ रही है, कोई भी मेथड हो कैपिटल सेम आनी चाहिए, बट सर यहाँ पे तो डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, और इसी डिफरेंस को बोला जाता है गुडविल। ये है हिडन गुडविल, और ये गुडविल किसकी निकाली है मैंने, गुडविल निकाली है फर्म की। बताइए कितनी आ गई, जल्दी से बताओ इनका डिफरेंस कितना आया। ये गुडविल फर्म की है, ये हिडन थी, छुपी हुई है, तो ये कितनी आ गई, ये आ गई 1 लाख, 1 लाख आ गई फर्म की गुडविल। अब सर गुडविल आपको पता लग गई, एक बार गुडविल आपने ढूंढ ली उसके बाद तो बहुत आसान है। जल्दी से बताएं मुझे नए पार्टनर का इसके अंदर कितना शेयर होगा। अतुल का शेयर बताइए, अतुल का शेयर कितना था, 1/4। 1 लाख का अगर मैं 1/4 निकालूं तो अतुल का शेयर है 25,000, जिसको आप बोलते हो प्रीमियम फॉर गुडविल। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा वो कैश में लाया है, अगर नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा कि वो अपना शेयर कैश में ला रहा है, नहीं लिखा तो हम क्या मानते हैं, नॉट इन कैश। और नॉट इन कैश की जनरल एंट्री क्या होती है, फटाफट बताओ, नॉट इन कैश की जनरल एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो फटाफट इसको गेन टू सेक्रीफाइस में बांट देंगे। सिंपल केस है, बहुत आसान है, अतुल को गेन होगा, नए पार्टनर को हमेशा गेन होता है, इसलिए हम लिखते हैं करंट अकाउंट डेबिट, और पुराने पार्टनर्स को सेक्रीफाइस होगा। पुराने पार्टनर थे भुवन और एस कैपिटल अकाउंट। यानी इसके अंदर सर एक एक्स्ट्रा चीज क्या है, ये तो आप पहले से ही कर रहे थे, 1 लाख नहीं पता, इसको निकालने का एक तरीका सीखा आप, बस खत्म। तो जरा जल्दी से बताएं, इसका शेयर था 25,000 और सेक्रीफाइजिंग रेशो, सिंपल केस है, फर्स्ट केस है, सेक्रीफाइजिंग रेशो वही होगी जो ओल्ड रेशो होती है। पहला केस बहुत आसान है, इसलिए ओल्ड रेशो में इसे बांट देंगे, 15,000, 10,000, इस तरह से ये एंट्री होगी। ये वाली एंट्री हो गई गुडविल की, नॉट इन कैश, और कैपिटल लाने की क्या एंट्री होती है, कैपिटल लाने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 75,000। तो ये तो सब पुरानी बातें थी, जो नई बात थी वो ये थी, इसको समझें आप कि गुडविल निकालते कैसे हैं। कैपिटल को एक बार रेसिप्रोकल करेंगे और एक बार टोटल करेंगे तो गुडविल आ जाएगी। आगे की कहानी आपको पता है, नॉट इन कैश होता है हमेशा जब भी क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 39। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं, नॉर्मली बच्चे पूछते हैं। पहला क्वेश्चन, बच्चे कहते हैं कि सर अगर ये 2 लाख है और ये भी 2 लाख आया, अगर दोनों बराबर आ गए, अगर दोनों बराबर आ गए तो क्या गुडविल होगी। आंसर इज नो, बेटा कोई गुडविल नहीं है अगर दोनों बराबर बराबर आ गए। दूसरा क्वेश्चन, ये वाली साइड हमेशा ज्यादा मिलेगी आपको, ऑलवेज रिमेम्बर, ये वाली साइड आपको हमेशा ज्यादा मिलेगी, ये साइड ज्यादा होगी तभी आप लिखोगे गुडविल ये फर्म की है, ये कभी भी कम हुई
इसका मतलब क्वेश्चन में कोई एरर है या आप बोलेंगे कोई गुडविल नहीं है। हमेशा याद रखेंगे ये वाली साइड हमेशा इससे ज्यादा होगी। तो ये मैंने आपको गुडविल के बारे में बता दिया, और ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या नया है? बस नए वाला पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं, बाकी सब सेम है। क्वेश्चन नंबर 41 आपके लिए होमवर्क है, एक अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई जरूर करना, डाउट्स डेफिनेटली आएगा, फिर हम आपके साथ डाउट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या लिखा है? दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, उनकी कैपिटल है 50,000 ईच, दोनों की है ईच। जेड को बुलाया 1/4 शेयर के लिए और जेड की कैपिटल है 80,000। यहां तक तो सर नॉर्मल क्वेश्चन था, इसमें नया क्या है? नया ये है कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट प्लस, अगर आपको पुरानी बातें याद हो, P&L का क्रेडिट बैलेंस होता है प्लस। P&L का बैलेंस दिया है 40,000, इस 40,000 का क्या करना है? बस ये है एक नया पॉइंट, मैं आपको बता देता हूं इस 40,000 का क्या करना है। जब भी आप ये वाली कैपिटल्स जोड़ते हैं, इसके अंदर आप प्लस कर देना P&L, P&L का क्रेडिट बैलेंस। जैसे 40,000 था तो आप 40,000 प्लस कर देना, और अगर डेबिट बैलेंस होता तो माइनस कर देना। बस एक छोटा सा काम करना है तो आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके साथ साथ दोस्तों हिडन गुडविल भी हमारा डन हो गया। ट्राई कीजिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपके साथ कुछ नए टॉपिक्स पे और कुछ और क्वेश्चंस पे। थैंक यू सो मच आज के लिए, टेक केयर एवरीवन।